नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। और आज सातवें और आखिरी चरण का मतदान शुरू हो चुका है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की सीटें जिस पर मतदान जारी है, इसके अलावा देश भर की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि आज आखिरी चरण का मतदान है और साथ ही कई ऐसे दिग्गज जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। और मऊ से एक बड़ी खबर मिल रही है, मऊ के 6 गांवों में मतदान का बहिष्कार किया गया है। रेलवे अंडरपास ना बनने से नाराजगी देखी गई है। हासपुर, पिपरीडी, नई बस्ती में चुनाव का बहिष्कार किया गया। बुलवरिया, मड़िया गांव में चुनाव का बहिष्कार किया गया है। बूथ 34-35 पर अब तक एक भी वोट नहीं पड़ा है, तो लोगों में नाराजगी भी है। विकास के कामों को लेकर लोग काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं, ऐसी कुछ तस्वीरें पहले भी कई चरण में देखी गई। लेकिन न्यूज 18 आपसे लगातार यही अपील कर रहा है कि अगर आप में नाराजगी भी है तब भी आप मतदान करें। ये कुछ जगह के नाम हम आपको बता रहे हैं जहां पर मतदान का बहिष्कार हो रहा है। मऊ के 6 गांव हैं जहां पर लोग वोटकास्ट करने के लिए अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है ग्राउंड जीरो से, उनका रुख करेंगे और साथ ही पैनल भी हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, उनके पास भी चलेंगे। तो गोरखपुर से राम गोपाल हमारे साथ में है, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी है और गाजीपुर से मनीष मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, गाजीपुर में तस्वीरें आप दिखाइए, लोगों में कितना उत्साह है, क्या लोग बढ़ चढ़कर मतदान करने पहुंच रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि गाजीपुर में सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है और गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के 2038 पोलिंग बूथों पर लोग सुबह 7 बजे से मतदान कर रहे हैं। इस समय हम नवापुरा प्राथमिक विद्यालय के पोलिंग सेंटर पर खड़े हैं जहां पर लोग आ रहे हैं। आपको दिखा सकते हैं कि कुछ लोगों की वो लाइनें लगी हुई हैं जो वोट डालने के लिए खड़े हैं। साथ ही यहां पर आप देख सकते हैं कि लोग वोट डालने के बाद सेल्फी पॉइंट पर अपनी अपनी तस्वीरें भी ले रहे हैं। मतलब वोट डालने के बाद लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग वोट डालने के लिए इंतजार में लगे हैं और कुछ लोग अंदर जा रहे हैं। आप तो तस्वीरें हम आपको गाजीपुर से दिखा रहे थे, हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब चलिए वाराणसी आपको लेकर चलते हैं। वाराणसी वीवीआईपी सीट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से चुनावी मैदान में हैं। उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। उपेंद्र, तस्वीरें आप दिखाइए क्योंकि बनारस की एक एक तस्वीर अपने आप में बेहद खास होती है, कितना उत्साह है लोगों में? देखिए, उत्साह की बात करें तो सुबह 7 बजे से ही कतारबद्ध लोग पहुंचे हैं और आप ये देखिए हर उम्र के लोग पहुंच रहे हैं। और कुछ ऐसी ये तस्वीरें हैं, जैसे चाची हैं, इनकी तस्वीर है जो प्रेरित करती है उन लोगों को जो अब तक मतदान के लिए निकले। चाची, वोट डालन आल हुआ? डाल देली वोट? हाँ, डाल देली। दिखावा जरा, उंगली दिखा दा। देखिए, व्हील चेयर पे पहुंची है चाची। क्या उम्र होगी इनकी? क्या उम्र है आपकी? 85 है और ये वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, तमाम सारे लोग, आप लोगों ने वोट कास्ट कर दिया? हाँ। और यहाँ पर खुद वाराणसी के प्रथम नागरिक यानी के मेयर अशोक तिवारी भी यहाँ पर हैं और ये देखिए यहाँ पर अशोक तिवारी जी भी हैं, उनसे हम बात भी कर लेते हैं यहाँ पर अशोक जी से। किन मुद्दों पे अशोक जी, किन मुद्दों पर ये देखिए पहले मैं कहूँगा वोट की वो दिखा दें जिसे उन्होंने वोट डाला है, तो उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया। और यहाँ पर तमाम सारी जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर आप ये देखिए कितने कतारबद्ध लोग हैं। और हम बात कर लेते हैं हमारे साथ मेयर अशोक तिवारी जी। अशोक जी, आपने वोट डाल दिया, प्रथम नागरिक हैं वाराणसी के, किन मुद्दों पर वोट किया है? देखिए, बनारस में दिखा दूं, देखना ये प्रथम नागरिक की उंगली पर लगी स्याही की निशान है, क्या किन मुद्दों पर वोट किया है? देखिए, बनारस में कोई मुद्दा नहीं है, बनारस में कहीं कहीं मुद्दा है नरेंद्र मोदी और विकास, और कोई तीसरा मुद्दा नहीं है। पूरा काशी बम बम बोल रही है, मोदी मोदी बोल रही है। मोदी जी वहाँ साधना कर रहे हैं, विपक्ष वहाँ पढ़ाने, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको पता होगा 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी वोट की बात से गए थे, 2019 में भी गए थे और आज 2024 में भी चुनाव प्रचार के बाद आप कर रहे हैं, तो ये सनातन विरोधी लोग हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये भी जाके करिए तो अभी बैंकॉक भाग जाएंगे। अच्छा। इनके जो नेता अभी तो बैंकॉक भाग जाएंगे, कोई विदेश चला जाएगा। जी जी, ये सुबह से मैं देख रहा हूँ कतारें देखिए लगी है, क्या लग रहा है कि मौसम को देखते हुए सुबह 10-11 बजे तक मोस्टली लोग अपना वोट कास्ट करना चाह रहे हैं?
देखिए लोग वोट देना चाहते हैं, मुझे लगता है 6:30 बजे से लाइन लगा हुआ है और हर आदमी अपना मताधिकार का, लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा उत्सव है वोटिंग, उसको करने के लिए इस बार तत्पर है। और काशी इस बार देखिएगा रिकॉर्ड। कई मंत्री कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री की साधना है कि देखिए मौसम का जो रुख है वो थोड़ा नरम हो गया है। इसमें तो कहीं कोई शक ही नहीं, आपको नहीं लग रहा है जी ये मोदी जी का सब साधना है, इसी वजह से मौसम थोड़ा एकदम। तो क्या लग रहा है ये वाराणसी में क्या रहेगा, देश प्रदेश में क्या रहेगा और देश में? देखिए हमने कहा ना विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो बनारस में आप लोग का जो नारा है 10 लाख पार, हमें लगता है उससे अधिक हम जाएंगे। 10 लाख से भी ज्यादा जो मतदान का जो चल रहा है ना ट्रेंड, उससे अधिक हम जाएंगे, उससे जाएंगे। और देश में? देश में तो कुछ कहना ही नहीं है भाई, 400 पार का हमारे मोदी जी का नारा है। तो ये थे वाराणसी में मेयर अशोक तिवारी, जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। यहाँ पर आप ये देखिए कतारबद्ध जो लोग हैं वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। बाबू जी से बात कर लेते हैं। बाबू जी क्या नाम है आपका? गोपाल जी राय। बाबू जी किन मुद्दों वोट करने पहुँचे हैं? भाई जनता को जो जरूरत है, प्राथमिक जरूरतें हैं वो उसको मिलनी चाहिए। सड़क है मिल रहा है, जो रोजगार है मिलना चाहिए, महंगाई से कम हो, यही सब चाहते रहते हैं, और क्या करेंगे। आप यूथ है, किन मुद्दों वोट करने पहुंचे हैं? सर हम तो देख रहे हैं भाई, तो बनारस में जो डेवलपमेंट हो रहा है हम तो उस कैंडिडेट को देंगे जो भाई बनारस के लिए बढ़िया करे। देश विदेश में तो बढ़िया हो ही रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई हम जहाँ रहते हैं वहाँ बढ़िया चीजें बढ़िया हो।